हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ये शॉर्टकट्स कैसे चेंज करने हैं या फिर ये शॉर्टकट्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे मास्टर्स मेनू में जाएंगे हम शॉर्टकट बटन्स। अभी यहाँ से वो शॉर्टकट को सिलेक्ट करेंगे हमें जो चेंज करना है। अगर हम ये करंट स्टॉक को चेंज करना है कंसिडर करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमें उस जगह पे क्या चाहिए। हम वहाँ पर पेमेंट रिसिप्ट सेट करते हैं तो यहाँ पे ये रिसिप्ट आ गया है। अभी हम ये जो स्टॉक एंड सेल्स एनालिसिस है इसको चेंज करते हैं किसी और शॉर्टकट से। हम वहाँ पे सेट करते हैं जीएसटी रजिस्टर एंड रिटर्न्स को। हम इसको रीनेम करेंगे सिर्फ जीएसटी से। तो ये देखें, यहाँ पर ये जीएसटी आ गया है। अभी हम ये डिस्पैच समरी को चेंज करेंगे किसी और टर्म से, शॉर्टकट से। हम वहाँ पर सेट करते हैं कोटेशन। और उसको रिनेम करते हैं न्यू कोटेशन। ये देखो, यहाँ पर न्यू कोटेशन आ गया है। अभी ये डेली एनालिसिस को हम चेंज करेंगे करंट स्टॉक से और हम उसको रिनेम करेंगे लेटेस्ट स्टॉक से। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट स्टॉक आ गया है। तो दोस्तों, हम इसी तरह से ये शॉर्टकट बटन्स को हमें जो भी चाहिए वो शॉर्टकट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये सेट करने के बाद हमें इसको क्लोज करना है। ये क्लोज करने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर बंद होगा और उसके बाद हमें सॉफ्टवेयर फिर से रिस्टार्ट करना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।